व्यूअर्स एकदम झमाझम गिर रहे हैं, इसलिए एक ही वीडियो के अंदर 6 की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा जूनियर एनटीआर का देवरा। और देखो, हर बार मास मूवी बनाने से पहले फिल्म मेकर सोचते हैं कि हम लोग इसके अंदर ऐसा क्या कर जाएं, ऐसा क्या दिखा दे अपना हीरो को करते हुए कि लोग गूज़बम्प्स तालियां बजाएं। भाई क्या कर दिया, हाउ अबाउट पानी में से निकलता है शार्क को राइड करते हुए और हाथ में चाबुक लिया है वो अलग, जो कि बैडएस है आई गेस। है 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा है इसके रिलीज में और अब जाके उन्होंने इसका पहला ऑफिशियल ट्रेलर निकाला, जो कि उसके टीजर से डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि बीच वाला सेट उतना फेक नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो इट्स स्टिल नॉट क्वाइट देयर। एक जो ऐसा पंच होता है ना, उतना जोर से हिट नहीं किया। पापा की बेल्ट थोड़ी है। इसके कहानी के बारे में जो थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर 2 कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, बाप और बेटा। दोनों के चेहरे एकदम सेम होंगे, ऐसा अपन ने कितनी सारी मूवीज के अंदर देख लिया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है बाहुबली। लेकिन सच बताऊं, पहली बार जब ये ट्रेलर देख रहा था ना, तो सिर्फ लुक्स से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल कि दोनों एक नहीं है। वो जब डायलॉग आया कि शक्ल बाप जैसी लेकिन एकदम फटू, तब लगा कि ओ। और क्योंकि बाप बेटे की कहानी होने वाली है और दोनों ही अडल्ट्स हैं, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि काफी लंबा टाइम गैप देखने मिलेगा, है ना। लेकिन फिर कह रहे हैं कि जो फादर का कैरेक्टर है, जिसका नाम देवरा होगा, उसको गए 2 साल हो गए। डोंट टेल मी कि पिक्चर के अंदर फादर सन एक साथ एक ही टाइम पे एक ही जैसे दिखने वाले हैं। बस एक के थोड़े लंबे बाल हैं, आंखों में कजरा लगाया हुआ है, दूसरे के छोटे और रंगीले कपड़े। लेकिन एक्चुअली इनसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सैफ अली खान का कैरेक्टर लग रहा है, क्योंकि पहले वो बाहुबली था, एज इन लाइक बहुत ताकतवर। फिर देवरा को देखकर वो सामने झुक जाता है, तुम्ही को फॉलो करेंगे हमारे लॉर्ड और धीरे धीरे सीक्रेट स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे मारना है। मैंने जो बात बोली कि इसका ट्रेलर उतना ज्यादा मुझे हिट नहीं किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इसका हिंदी डब। ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि जूनियर एनटीआर इतने लैंग्वेजेस बोल लेते हैं और हिंदी भी उनकी काफी अच्छी है। लेकिन आज भी एक प्रोफेशनल वॉइस एक्टर को उनके लिए डब करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। क्यों, हिंदी के बाद तुम डायरेक्टली जाके इसका तेलुगु वर्जन प्ले करो और वो ओवरऑल एक अच्छा बेटर फील दिलाएगा। म्यूजिक के साथ जो जूनियर एनटीआर वाले डायलॉग्स हैं वो अच्छी तरीके से मैश होंगे, इसलिए इसके हिंदी डब को लेके जो थिएटर में देखने मिलेगा आज भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। VFX स्पेशली जो नदी के अंदर शिप वाले हैं वो तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पूरी पिक्चर एक चीज को लेके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जरूर है, इसका म्यूजिक सुनने में काफी बढ़िया है और यही सेम पीस अगर किसी दूसरे ने बनाया होता तो उसके करियर की हाईलाइट मानी जाती, लेकिन क्योंकि इट्स अनिरुद्ध तो बाकी सारे कैटलॉग के सामने इट्स ओकेश। उनका म्यूजिक याद करो जवान, लियो या फिर विक्रम के अंदर, एक कैरेक्टर एक पर्सनालिटी थी अपने आप की, जो कि इसके अंदर थोड़ा कम फील हो रहा है। देखो ओवरऑल ट्रेलर तो ठीक ठाक ही लगा है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं, वो इसलिए क्योंकि एक चीज मैं अभी भी नहीं फिक्स कर पा रहा हूँ कि इस पूरी पिक्चर के लिए व्हाई शुड आई केयर। स्टोरी जो लग रही है होगी पिक्चर के अंदर इट्स VFX और पूरा का पूरा स्केल थोड़ा थोड़ा अच्छा, जूनियर NTR थोड़े थोड़े अच्छे और सैफ अली खान थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा। यही सेम बात है, मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ अगले ट्रेलर को लेकर, यूधरा। कुछ दिनों पहले इसका ऑफिशियल ट्रेलर नंबर 1 निकला था, विच वॉज गुड इनफ बट नॉट क्वाइट देयर। इसे भी इसको रिलीज होगी देवरा के 1 हफ्ते पहले, जिसको देखने के बाद फीलिंग यही मिली कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड थोड़ा थोड़ा इज गुड। लेकिन फिर से वही बात कि वो एक चीज जो इस पिक्चर के ऊपर सेल कर दे मुझे, दैट इज मिसिंग। वो एक ऐसा एकदम हिट दिलाने वाली बात, भाई के शब्द में बोले तो किक नहीं है। जैसे कि अगर तुम कुछ महीनों पहले रिलीज हुई किल मूवी का ट्रेलर देखोगे तो उसके अंदर था उसका एक्शन। ट्रेलर में ना तो कोई एक्शन बहुत अच्छे से दिखाया, ना ही कोई एकदम एपिक वाला मोमेंट। ऊपर से डायलॉग्स ऐसे लिखे कि ओवरऑल जो ऑरा है उसको नीचे ले जाने का काम। कौन है वे, क्या चाहता है? जानना चाहता हूँ कि मरने से पहले लोग ऐसे बेवकूफी वाले सवाल क्यों पूछते हैं। इस पॉइंट पे आप अपना ट्रेलर खत्म कर रहे हो, जिसका डायलॉग बीच में ऐसे थोड़ा कटा हुआ लग रहा है, इट जस्ट डिडंट लैंड That well. लेकिन फिर जैसे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था, उसका ट्रेलर नंबर 2 ड्रॉप किया, जिसके अंदर एक्शन थोड़ा ज्यादा और थोड़ा अच्छे से दिखाया, इट इज बेटर। लेकिन फिर वही डायलॉग वाली बात कि बच्चे तू अपना चॉकलेट चूस और खुश रहे। पिक्चर के मेकर्स ने बहुत सही नब्ज जरूर पकड़ ली कि पहले ट्रेलर के कॉमेंट्स में लोग बोल रहे थे मूवी देखने जाएंगे, जो चीज एक्साइट कर रही है वो है राघव का विलन। किल मूवी के अंदर भी था, वहाँ पे काफी इंप्रेसिव लगा और इतने ही महीनों में दूसरा विलन आ रहा है, तो इसलिए पहले ट्रेलर में जहाँ 1 या 2 ही सीन्स थे, यहाँ पर एकदम राइवल खड़ा कर दिया सिद्धार्थ सामने राघव। पिक्चर में वैसा होगा पता नहीं। एक चीज जरूर मेरे को पता है कि ये सारे 6 में से एक जो काफी बेहतरीन ट्रेलर निकाला वो है आलिया भट्ट की आने वाली मूवी जिगरा का। सॉरी मैंने थोड़ा कुछ गलत बोल दिया, वो उसका ट्रेलर नहीं बल्कि टीजर ट्रेलर नाम दिया है, दोनों एक साथ 2 मिनट 50 सेकंड लंबा और बिल्कुल अपने नाम की तरह पूरा का पूरा एकदम डिफरेंट है। पहला ही शॉट इसका 40 सेकंड तक चलता है बिना कट मारे, वो भी कोई एक्शन जिसके अंदर तुमको कुछ बैड एस देखने मिल जाए ऐसा नहीं। आलिया भट्ट अपने कैरेक्टर का एक थोड़ा बहुत इमोशनल पार्ट
पार्ट तुमको बता रही है। सच बोलो इसको देखते ही एनिमल की याद आ गई कि उसको भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से चालू किया था। और बिल्कुल अपने ओपनिंग की तरह पूरा का पूरा ट्रेलर एकदम डिफरेंट चलता है, कोई भी एक्शन का बूम बाम वाला म्यूजिक नहीं। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है इस गाने का नया रेंडिशन बनाया और पूरा ट्रेलर उसी के ऊपर, क्योंकि यही बहना फुल रैम्बो मोड में जाने वाली है। टीजर ट्रेलर देखकर अंदाजा आ रहा है कि उसका भाई बहुत ज्यादा प्यारा है और कोई नहीं उनकी फैमिली में, जाता है दूसरे देश किसी काम से, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया है, अभी ये जाएगी अपने भाई को छुड़ाने के लिए। और जितनी बार मैंने इसके ट्रेलर को देखा ना, वो और ज्यादा मेरे ऊपर ग्रो करते गया, मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक्शन शॉट्स वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई, लेकिन जितने भी थोड़े बहुत सीन्स हैं दे लुक इम्प्रेसिव एंड वेरी सीरियस। स्मोक के अंदर खुलेआम गोलीबारी चल रही है, आग के अंदर सीधा गाड़ी घुसा देना, बहुत बड़ी कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है उसकी छत पे भागना, और उसी गाड़ी में से ऐसा ऊपर निकलने वाला शॉट जिसमें सब टॉर्च मार के उसको देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त। वसन बाला इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता और मोनिका ओ माय डार्लिंग बनाई है। तो आई एम रियली एक्साइटेड देखने के लिए कि इस पिक्चर के अंदर क्या कुक करते हैं, क्या आलिया भट्ट किसी स्पेशल ऑप्स टीम का पार्ट है जो इतना ज्यादा एक्शन खुद से कर पा रही है, और ऊपर से मनोज पावा फैन और स्विच के एड में बीवी से झगड़ा करते हैं, यहाँ कहाँ दूसरे देश में। लेकिन चॉइस काफी अच्छी है, अगले महीने 11 अक्टूबर का रिलीज है इसका शायद, बैड ऐस रवि कुमार के साथ रिलीज करने की हिम्मत कैसे हुई। लॉर्ड कहाँ हो तुम, एक अनाउंसमेंट डालो सब छितर जाएंगे प्लीज। यूट्यूब से शिफ्ट होकर खुद की वेब सीरीज बनाने वाले भुवन बाम अपनी ताजा खबर का सीजन 2 लेके आ रहे हैं। ट्रेलर आया और उसको देखकर लग रहा है कि ये लोग बड़ा जाने वाले हैं अपने स्केल और स्टोरी को लेके। प्लेन वाली CGI डाल दी, प्लेन वाले सेट्स डाल दिए, लेकिन कहानी जो है वही अपने को एक साइकिल देखने मिलेगा। पहले बंदे के पास पैसा नहीं होता लेकिन फुल हम्बल, कुछ हो जाता है फुल पैसा आ जाता है लेकिन नो हम्बल, फिर से कुछ बड़ा होने के बाद पूरा पैसा चला जाता है, फुल हम्बल बाजी वापस, और ये लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि भैया भले ही अमीर नहीं हूँ लेकिन जिंदा तो हूँ, फ्रेंड्स और फैमिली जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो साथ में है। ऐसा ही कुछ इसमें होते हुए दिख रहा है। सीजन 1 के एंड में अपने को बताया गया था कि उसकी ठाए ठाए गोली मार के मारने वाले, तुम्हें भी शायद वो गोली लगने के बाद जिंदा तो बच जाए लेकिन वो खबर आना बंद हो जाएगी, धीरे धीरे करके पैसा खोने लगेगा, लेकिन क्योंकि ईगो बहुत बढ़ चुका है तो एक झटके में सारा का सारा सपा चट, वापस से वही रेड शर्ट वाला एरा संडास के गले पे बैठना। लेकिन क्योंकि नुकसान सिर्फ उसका नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के पैसे उसने डुबाए, तो बड़े बड़े डॉन पीछे लग चुके हैं जिसके लिए नए कैरेक्टर्स दिखेंगे। जावेद जाफरी को लेने वाला डिसीजन काफी अच्छा, 2 हफ्ते में 500 करोड़ लेके आना है, कैसे मिलेगा। ट्रेलर देख के लग रहा है कि वो जो ऊपर से प्लेन वाला शॉट है ना वो टूट के गिरेगा और ये लोग उसी में से जाके कुछ खजाना ढूंढ के निकालेंगे। सिर्फ स्टोरी प्रेडिक्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक चीज परमानेंट जरूर है, महबूब भाई का ज्ञान पेलना। कर्जा और गुनाह चुकाने पड़ते हैं वरना चैन से मर भी नहीं सकते। चलती हुई गाड़ी की खिड़की में से जाकर प्लेन को देखना, वो शॉट थोड़ा बहुत पैरेलल जरूर हो गया पहले सीजन के, वो जो औकात के बाहर जाने वाला था। लुक्स एक्साइटिंग, देखते हैं कि सीजन 2 में क्या डिफरेंट पकाया उन्होंने। लेकिन एक चीज जो एकदम पास में रिलीज होने वाली है और अपने को पता है कि कुछ डिफरेंट नहीं पकाया है लेकिन फिर भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तुम्बाड़ मूवी रिलीज हो रही है थिएटर्स के अंदर। ऑलरेडी 2-3 बार देख चुका हूं और वही शॉट्स काट के अपने सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार थिएटर में नहीं देखा था। और ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स को वापस बुलाया है कुछ नए लाइंस डब करने के लिए सिर्फ ट्रेलर में। 2018 में जब ये रिलीज होने वाली थी उसके कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था कि वाई तुम्बाड़ विल बी ग्रेट, जब रिलीज हुई तो थिएटर में देखने नहीं जा पाया क्योंकि नया था ना मैं। पिछले कुछ महीनों में थिएटर्स के अंदर ही रिलीज वाला जो ट्रेंड अपने को दिखा है, और जितना लोग तुम्बाड़ के बारे में बोलते हैं कि भाई क्या पिक्चर थी, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये 13 तारीख को रिलीज होने के बाद अपने पहले इनिशियल रन से ज्यादा पैसा कमा ले, क्या 13 करोड़ के पार जा पाएगी। फाइनली एक ऐसे ट्रेलर की बात करते हैं जो शायद तुमने नहीं देखा हो, डेफिनेटली अंडररेटेड की कैटेगरी में आ चुका है, इसको बस ट्रेलर ही, पिक्चर आने में बहुत टाइम है। मैं खुद इसको देखने के बाद कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ब्रांडिंग पूरी प्राइम वीडियो वाली है, थंबनेल से लेके अंदर स्टूडियोज के नाम Amazon MGM प्राइम वीडियो इंडिया के चैनल पे अपलोड किया है। तो इसको देखने के बाद मुझे लगा कि OTT पे ही रिलीज होगी, बट नहीं, इस 13 सितंबर को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा और ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, वो भी अगले साल जनवरी में। तो इतनी जल्दी क्यों रिलीज कर दिया, तुमको बताया तो कमेंट में बताओ, फिल्म फेस्टिवल वाला मसला है क्या। लेकिन इसको इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन कि एक काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी देखने मिलेगी ऐसा अंदाजा आ रहा है। कुछ लोग अपने छोटे से गांव के अंदर ही जितने भी छोटे छोटे रिसोर्सेज अवेलेबल है एकदम जुगाड़ लगा के पिक्चर बनाते हैं मूवी, इसलिए इनके पूरे टीम को सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बोला है। इन्हीं सुपर बॉयज के लिए कुछ जाने माने चेहरे भी लिए उन्होंने, जैसे कि आदर्श गौरव, विनीत कुमार, और अपने मिर्जापुर के अंदर जो भी शायरी देके एकदम फेमस हो गए थे। शायरी से याद है ट्रेलर के अंदर वो शादी वाला शॉट नहीं दिखाना था, बहुत दर्द हुआ। ट्रेलर ओवरऑल बहुत ज्यादा सॉलिड था, मैं जो बोला था ना कि वो एक किक बैठने वाली बात कुछ के अंदर नहीं थी, वो इसके अंदर है, एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी देखने मिलेगी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाली। तुम मत ठुकराना, जाके ट्रेलर देखना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, कर दो प्लीज विक्की प्लीज।